नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर है जो कि आप सभी के मध्य में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर सरकार का एक बड़ा सौगात है, या फिर कहा जाए सरकार की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी घोषणा है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा संविदा शिक्षकों या फिर कहा जाए शिक्षा मित्रों को राहत मिल चुकी है। फिलहाल ये खबर कहाँ की है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। साथियों, अपडेट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, एक ट्वीट जो कि ट्विटर हैंडल का है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की सौगात, संविदा कर्मचारियों का वेतन 27% बढ़ा। फिलहाल के लिए यह खबर छत्तीसगढ़ की है, इसके पहले बिहार की अपडेट आपने देखी होगी। बिहार में भी जो संविदा शिक्षक थे, संविदा कर्मी थे, उसके साथ साथ फार्मेसिस्ट थे, उन सभी के मानदेय में कहा जाए या फिर वेतन में कहा जाए एक अच्छी खासी वृद्धि, या फिर कहा जाए डबल मानदेय वृद्धि की गई। फिलहाल इसके साथ साथ अन्य राज्यों को आप कनेक्ट करते चलें, लगातार कई राज्य ऐसे आपको दिखेंगे जहां पर मानदेय में वृद्धि हुई, वो भी संविदा कर्मियों या फिर कहा जाए संविदा शिक्षकों के। लेकिन आज की डेट में देखा जाए यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर ना तो संविदा शिक्षक या फिर शिक्षा मित्र जो है इनके मानदेय में वृद्धि हो रही है, ना ही सरकार से कुछ सुगबुगाहट नजर आ रही है। फिलहाल के लिए वर्तमान में आप सभी अगर चाहें तो लगातार सरकार से अपनी मांगे ठोस तरीके से रख के पूर्ण करवा सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे कई मॉडल्स हैं जो आप सरकार के बीच में रख सकते हैं। सरकार चाहे तो इन सभी मॉडलों का एक सम्मिलित रूप निकाल करके आप सभी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकती है। फिलहाल 18 तारीख या फिर कहा जाए 18 अक्टूबर वो दिन है जो आपके लिए खास है। आपको सरकार को ये दिखाना है कि शिक्षा मित्रों की जो ताकत है वो कम नहीं है। आप अपनी सांगठनिक या फिर व्यक्तिगत क्षमता से लखनऊ की इको गार्डन की धरती पर कूच करके सरकार को ये सारी बातें दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।